यूपी के हाथरस कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस के ट्रायल को राज्य से बाहर शिफ्ट करने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब मामले की जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही ट्रायल को बाहर ट्रांसफर करने पर विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि अभी इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, ऐसे में तुरंत केस ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अन्य सभी चीजों पर हाईकोर्ट भी अपनी नजर बनाए हुए है। और अब बात फटाफट से कर लेते हैं शेयर बाजार की। शेयर बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 377 अंकों की बढ़त के साथ 40,522 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 122 अंक चढ़कर 11,889 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार की और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए आज मार्केट का एक्शन। देखिए, सुस्त शुरुआत के बाद आखिरी 1.5 घंटे में बाजार में एक बढ़िया उछाल देखने को मिला। जी बिजनेस की जो एक्सक्लूसिव खबर है राहत पैकेज को लेकर, इसका एक असर देखने को मिला। निफ्टी 11,889 के आसपास बंद हुआ और निफ्टी बैंक में देखिए लगभग 3% तक की तेजी देखने को मिली। एक बढ़िया ब्रेकआउट जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में आते हुआ देखा गया, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। और खासतौर पर वो स्टॉक जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए, इसमें सबसे पहला नाम देखिए जस्ट डायल कंटिन्यूस स्टॉक में हम देखने की तेजी देखी जा रही है। आज आपको ये स्टॉक सिमी जी ने बताया और दिन के दौरान बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा एसीसी जो आपको भसीन जी ने बताया यहाँ पर लक्ष्य हासिल होते नजर आए। बोरोसिल लिमिटेड आशीष कुकरेजा ने स्टॉक आपको बताया और नेस्ले देखिए यहाँ पर भी दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखी गई। ये स्टॉक आपको राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में बताया गया था। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो जब भी बाजार में वॉलिटिलिटी बढ़ती है बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स लीड करते हैं। और आज के सत्र में भी देखिए बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से बढ़िया पार्टिसिपेशन देखने को मिला। बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स में कोटक महिंद्रा बैंक एमएससीआई में जो इनफ्लोज बढ़ रहे हैं इसका एक असर देखने को मिला। नतीजे भी बढ़िया रहे, ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स जो जारी कर रहे हैं वो भी सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। दिन के दौरान देखिए 10% तक की तेजी देखने को मिली। मिड कैप स्पेस से सिटी यूनियन बैंक अच्छी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। एक्सिस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी दिन के दौरान ब्रेकआउट की स्थिति बनती हुई नजर आई। एनबीएफसी स्टॉक्स में देखिए मुथूट फाइनेंस रिकॉर्ड तेजी स्टॉक में देखी गई। बजाज फाइनेंस अच्छा ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला। ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और लंबे समय के बाद एलएनटी फाइनेंस में भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। फार्मा स्टॉक्स में आप गौर करिए कि खासतौर पर जो एपीआई थीम है यहाँ पर जो एक्शन है बरकरार देखने को मिल रहा है। इपका लैब्स, डिविस लैब्स में खरीदारी देखने को मिली। इंडिगो रेमेडीज और एल्केम लैब्स जो मिड कैप स्पेस से यहाँ पर भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। कल हमने आपको बताया था कि ऑटो स्टॉक्स में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज निचले स्तरों से ऑटो स्टॉक्स में भी बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। खासतौर पर आप देखिए अशोक लेलैंड, पोस्ट मोटर्स, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, मारुति के ने जो फेस्टिव सीजन के आंकड़े रिपोर्ट किए वो भी काफी ज्यादा इंडस्ट्री के लिए सपोर्टिव नजर आए, जिसका एक रुझान देखने को मिला। आईटी स्टॉक्स देखिए कहीं ना कहीं बाजार की तेजी के साथ एक इनवर्स कोरिलेशन साबित हुआ। एलएनटी इंफोटेक, सोनाटा सॉफ्टवेयर, टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो में भी ब्रेकडाउन की स्थिति बनती हुई नजर आई। रियल एस्टेट स्टॉक्स में कल भी गिरावट थी और ये गिरावट का जो रुख है आज भी बरकरार देखने को मिला। लगातार लिस्टिंग के बाद हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी स्टॉक लगभग 5% गिरा। प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओवरऑल रियलिटी, फिनिक्स मिल्स हल्की गिरावट के साथ बंद हुए।